हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल विच तुहाडा एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेरा वीडियो है उन्हां बच्चों लिए जो कि 9वीं 10वीं क्लास के पढ़ते हैं, तो उन्होंने वजीफे दे बारे ये जरूरी सूचना है। ये बहुत ही जरूरी जानकारी देन जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। तो जो भी लोड़वंद जरूरतमंद बच्चे जिन्हां कोल हुनर है वो ये फार्म भर सकन ताकि उन्होंने उन्होंने पढ़ाई दे विच हेल्प हो सके। राज पद्धरी कौमी योग्यता खोज प्रीख्या 2020 दी जो होनी है, ये पंजाब दे विच दफ्तर डायरेक्टरेट राज सिक्ख्या खोज ते सिखलाई परिषद दा दफ्तर मोहाली च है। और SCERT जो मैं उन्हें दस्या राज पद्धरी कौमी जो खोज प्रक्रिया के नाल SCERT करवाती है, पंजाब वालों राज पद्धरी कौमी योग्यता खोज प्रीख्या NTSC का जो टेस्ट है स्टेज वन का 2020-21 जो 13 दिसंबर 2020 10वीं विच पढ़ते विद्यार्थियों लिए कंडक्ट की जानी है। इस प्रीख्या विच पंजाब राज्य विच स्थित सरकारी केंद्रीय विद्यालय, नवोदया विद्यालय या किसी होर मानता प्राप्त स्कूलों नूं जिन्हां विच 10वीं श्रेणी विच जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रीख्या विच बैठ सकते हैं, यानी जो कि पंजाब दे विच एफिलेटेड स्कूल ने, रिकोगनाइज स्कूल ने, 10वीं जो बच्चे पढ़ते हैं चाहे सेंटर स्कूल ने चाहे KB नवोदया के स्कूल ने, उन्हां दे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हां विच जिन्हां दे नंबर 9वीं क्लास दे विच अनुसूचित जातियां जां अनुसूचित कबीले जां शारीरिक रूप से जो विकलांग ने उन्हां नूं 55% नंबर 9वीं दे, ते होर कैटेगरियां लई 70% नंबर चाहिए ने। तो वजीफे की जो गल करिए दे विच जो वजीफा मिलता है NCERT नवीं दिल्ली वालों लई जाण वाली स्टेज 2 की प्रीख्या पास करन उपरंत लगभग 2000 विद्यार्थियों को NCERT वालों वजीफा दिता जाता है, यानी पहले स्टेज 1 का पेपर होना, बाद स्टेज 2 का पेपर होना है। तो क्लास 11वीं 12वीं तक बच्चा जो पढ़ता हर महीने 1250 रुपये दिते जाते हैं। ग्रैजुएशन ते पोस्ट ग्रैजुएशन जो बच्चा करता 2000 रुपया हर महीने दिता जाता है, उचेरी विद्या लई UGC दे नाम अनुसार। अगे जो PhD करना चाहता तो उन्हें UGC दे हिसाब दे नाल उन्हें स्कॉलरशिप दिती जाती है। तो राखवाकरण दे विच है, केंद्र सरकार की राखवाकरण नीति अनुसार 15% SC, 7.5 ST, 27% होर बैकवर्ड क्लासिस जो है एज़ पर सेंटर अवेलेबल। तो सेंटर की जो लिस्ट है अवेलेबल है www.ncbe.nic.in इतने कर सकते हो। 10% इकनोमिक वीकर सैशन EWS दोज हु डो नॉट कवर्ड अंडर द रिजर्वेशन स्कीम के नाल जाते हैं। 4% जो शीटा ने फिजिकली हैंडीकैप लिए दी जाने। सो ये जो सारी जानकारी सी ये ब्लाइंड लो विजन VLVDH डैफ एंड हार्ड ऑफ हीयरिंग ये सारिया डिसेबिलिटीज़ काउंट होंदिया ने। SC ST होर पछड़िया श्रेणियां अते शरीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों संबंधित अधिकारियों तो जारी हुए सर्टिफिकेट के हिसाब के नाल उन्होंने जो विकलांगता है 40% डिसेबिलिटी के हिसाब के नाल उन्होंने मानता PWD फिजिकली हैंडीकैप जो मनिया जाता है। जिहड़े विद्यार्थी फार्म भरन समय कैटागरी संबंधी सर्टिफिकेट नत्थी नहीं करनगे उन्होंने जर्नल विच कंसीडर किया जाएगा। तो इस जिहड़ा कैटागरी का प्रूफ देना बहुत जरूरी है, तुहाडा जिहड़ा सर्टिफिकेट है बनया होना चाहिए है जिस कैटागरी विच तुसी लाहा लेना है। तो जो प्रीख्या स्टेज 1 दी है SCERT जो है उहदे वल्लों ले जानी है। दाखला भरन की जो मिति 8-10 तो 8 अक्टूबर तो फार्म शुरू हो गए ने। तो बाकी जे देखिए फार्म भरन की जो लास्ट डेटी है 2/11-2 नवंबर तक है। एडमिट कार्ड तुहाडे 1 दिसंबर आ जाएंगे, तो प्रीख्या जो है 13 दिसंबर एतवार होएगी, तो सेंटर जो है तुहानू उहदे दिते जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी सूचना सी बच्चो, जो बच्चे शाइनिंग ने ब्रिलियंट स्टूडेंट ने वो बच्चे अप्लाई करन ते अपनी टैलेंट नू देखन। जो NCERT स्टेज 1 की प्रीख्या 13/12 नू होण लई है, इस विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आने हैं, ये सिलेबस भी दस्या हुआ है। तो हरेक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होगा। मानसिक योग्यता पर्सनैलिटी के 100 क्वेश्चन, तो विषयों के 100 200 क्वेश्चन आएंगे। ये
जो विषय दिते हुए ने उन्हां दे देख सकते हो तुसी सारा वेरवा। फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान के 13 प्रश्न, कैमिस्ट्री के 13, जीव विज्ञान के 14, गणित के 20 प्रश्न, इतिहास के 11 प्रश्न, भूगोल के 11, नागरिक शास्त्र के 10, अर्थशास्त्र के 8। तो यह 100 प्रश्न ने, तो 100 प्रश्न जो मैंटल एबिलिटी का आएगा टोटल 200 नंबर का आएगा। प्रीख्या जो है सवेरे 10 बजे तो 2 बजे तक होगी। तो प्रीख्या का माध्यम जो है अंग्रेजी पंजाबी होगा। NTSC सिलेबस बंद ही, जो प्रीख्या का कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है, हालांकि प्रश्नों का पद्धर 9वीं तो 10वीं का होगा। पास SC ST या फिजिकली जो हैंडीकैप ने उन्होंने अलग अलग कैटागरी 32% नंबर लेने होंगे, तो होर जो कैटागरियाँ उन्होंने 40% नंबर लेने जरूरी है। दाखला फार्म विद्यार्थियों के दाखला फार्म स्कूल वालों सिक्ख्या विभाग के पोर्टल epunjabschool.gov.in लॉगिन ID 8-10 तो 2-11 तक भरे जा सकते हैं। प्रीख्यार्थियों के एडमिट कार्ड जो है स्कूलों वालों 1-12 तो डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टेज वन की जो प्रीख्या है वो कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं होगी। SCRT पंजाब वालों स्टेज वन की जो प्रीख्या है वो कोई फीस नहीं ली जाती। दाखला फार्म एडमिट कार्ड भरन समय विद्यार्थी की जाति जो स्कूल मुखी वालों भरी जाएगी उसनू ही सही मनिया जाएगा। SCRT वालों लोड़ अनुसार अंकड़े ते मितियां विच बदलाव किया जा सकता है, डेट चेंज भी हो सकती है। उपरोक्त विच जे कोई बदलाव आता तो उस संबंधी जो जानकारी है www.epunjabschool.gov.in ते अपलोड हो जाएगी। यानी स्टूडेंट्स ये जो फार्म ने तुहाडे स्कूल वालों ही भरे जाने ने, अपने टीचर्स नूं तुसीं पुछना है, प्राइवेट पोर्टल तो ये फार्म नहीं भरे जाने। तो बहुत ही एक जरूरी सूचना थी, तो तुसीं इहदा लाहा लै सकते हो। ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि जो मेहनती बच्चे ने, जो स्टडी विच इंटैलीजेंट बच्चे ने, वो अपना फायदा लै सकन, अपना हुनर नूं अजमाण दा मौका है। जे तुसीं टैस्ट क्वालीफाई कर लैंदे हो फिर स्टेज 2 विच तुहानूं एंट्री मिल जाएगी। तो बहुत ही एक सुनहरा मौका है तुहाडे लई, तुहानूं स्कॉलरशिप मिलेगी, तुहाडी पढ़ाई दे विच इकनोमिकली हैल्प होएगी। तो थैंक यू वेरी मच। जो वीडियो चंगा लगा हो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोड़वंद विद्यार्थियों को हेल्प हो सके। थैंक यू।